तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के एक और नई वीडियो के साथ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मीडिया टेक का प्रोडक्ट कैसे फिल्टर करना है वो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो होता क्या है, कई बार आप जैसे मीडिया टेक के फ़ोन को अगर बिना बॉक्स से, बिना डोंगल के, एसपी फ्लैश टूल से अगर अनलॉक करते हो और लॉक वगैरह हटाते हो तो आपको वहाँ बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो आपने करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फाइल है, उस फाइल को डाउनलोड कर लेना है और उसे एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। एक्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड आपको पता है जो हमारा चैनल का नाम है वही आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल देना और फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से एक फोल्डर बन के आ जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है। इसे ओपन करना है आपने और फाइल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट मिलेगी ऑलरेडी आपको। ये हमारा टूल है, तो सबसे पहले तो इसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि हम मीडिया टेक का जो पोर्ट होता है आउट बाईपास करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ आपको एक एरर देखने को मिलता होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ जैसे आप बाईपास पे क्लिक करते हो, ठीक है ना, जैसे ही आप बाईपास पे यहाँ पे क्लिक करते हो तो जो मेरे यहाँ पे जो ड्राइवर ओके दिखा रहा है, इंस्टॉलिंग ड्राइवर ओके, बट आपको ये इस प्रकार का एरर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना। तो उसी एरर को आज हम फिक्स करने वाले, ठीक है ना। तो ऊपर वाले फोल्डर पर जाना है और जो MTK का USB ड्राइवर है पहले तो इसे इंस्टॉल करना होगा, ठीक है ना। इसे इंस्टॉल कर लेना, सिंपली आसान है, बहुत हो जाएगा, हो गया ये। अब उसके बाद करना क्या है, जो हमारा जो नीचे जो क्वालकॉम ड्राइवर, जो MTK सेटअप, वो क्वालकॉम MTK जो ड्राइवर होता है उसे भी इंस्टॉल करना होगा, ठीक है ना। मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल है बट आप लोगों को इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि अगर मीडिया टेक के कोई भी फ़ोन अगर SP फ्लैश टूल से आप जैसे फ्लैशिंग करते हो या तो अनलॉक करते हो तो आपको ये बहुत ज़रूरी होता है ये ड्राइवर इंस्टॉल करना। और ये प्रोसेस से आपको जो भी एरर देखने को मिल रहा है सब कुछ क्लियर हो जाएगा और 100% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको जो भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ठीक है ना। तो डबल क्लिक करके इसे भी करेंगे रन, इंस्टॉल करना है, सॉरी। इसे इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट कर लेना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना, यहाँ पे क्लिक करना, ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसे इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा वेट कर लेना है आपने। और मैं आपको यहाँ स्पेशल ध्यान देना है आपको, मैं बताता हूँ आपको करना क्या, ठीक है। थोड़ा सा टाइम वेट करना है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। थोड़ा सा वेट कर लेना है। वीडियो को भाई लोग, जो लोग भी देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। उससे होता क्या, हम जब भी एक नई वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाता है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट करना है आपने। इसे थोड़ा टाइम लगता है ये इंस्टॉल होने में, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लेना आप लोग, ठीक है ना। काफ़ी सारे भाइयों को पोर्ट फिल्टर करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसकी वजह से आप लोग मीडिया टेक के जो भी फ़ोन है अनलॉक नहीं कर पा रहे थे और या तो फ्लैशिंग नहीं कर पा रहे थे। तो इस मेथड को ट्राई करना, 100% आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको, इसे मिनिमाइज़ करेंगे और सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आप जैसे ही इस पर क्लिक कर दोगे यहाँ पे तो आपका जो PC है वो रीस्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, PC आपका रीस्टार्ट होगा। मेरे पास ये ड्राइवर पहले से इंस्टॉल है तो मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा, सिंपली आपको यहाँ तक ला के मैंने दिखाया है कि आपको क्या करना है, ठीक है ना। आप जैसे ही इस पर क्लिक कर दोगे नेक्स्ट पे, फिनिश पे, ये फिनिश का ऑप्शन है, तो जो आपका ऊपर ये लैंग्वेज का तो मुझे पता नहीं है बट ये PC, इस पर जैसे आप क्लिक करते हो तो आपका जो PC है वो रीस्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये मेरे पास ड्राइवर पहले से इंस्टॉल है और आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हो, तो ये ड्राइवर इंस्टॉल करोगे तो यहाँ क्लिक करोगे तो आपका जो PC है वो फिर से रीस्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास तो इंस्टॉल है तो मैं इसे मिनिमाइज़ कर दूंगा, ठीक है ना, कर देते मिनिमाइज। और फिर से आपको आ जाना बैक, और यहाँ पे जो ऊपर लिब
यूएसबी दिख रहा है Win32, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। आपका पीसी रीस्टार्ट होके आएगा तब, ठीक है ना, वही फोल्डर में आ जाना और यहाँ पे जो इस पर डबल क्लिक करके इसे रन करना है, ठीक है। और आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करते जाना है, फिनिश कर देना है, नेक्स्ट क्लिक करना है। और आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, अब आपके पास कोई सा भी एक फ़ोन मीडिया टेक वाला सेटअप होना चाहिए, मीडिया टेक CPU वाला फ़ोन होना चाहिए, और उसे ऑफ करके रख लेना है, ठीक है ना। उसे ऑफ करके रखने के बाद आपको करना क्या है, उसके जो वॉल्यूम अप डाउन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके USB केबल लगाना है आपने, ठीक है ना। दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके USB केबल लगाना, जैसे ही मीडिया टेक का पोर्ट शो करेगा उस पर क्लिक करके तुरंत इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। तो हमारा जो पोर्ट है वो 100% फिल्टर हो जाएगा और उसे कर देना है क्लोज, ठीक है ना। और मैं आपको अब दिखाता हूँ इसे ऑथ बाईपास भी करके, ठीक है ना। इसे टूल को डबल क्लिक करके करते हैं रन। तो यहाँ अब मैं पोर्ट को आपको ऑथ बाईपास भी करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। जैसे बाईपास पे क्लिक करना है और आपने वही सेम प्रोसेस वॉल्यूम अप डाउन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके USB केबल लगाना है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा ऑथ है वो बाईपास हो चुका है 100%। और इस मेथड को ट्राई करना, आपका जो भी एरर देखने को मिल रहा है, जो MCT टूल MTK मीडिया टेक का जो ऑथ बाईपास करने में आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, सारी प्रॉब्लम इस से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।